Hello everyone, I am Shilpi and I welcome you all to my channel RAS Tayari with Shilpi. And aaj ke hamare is video mein hum discuss karenge motivation and learning ke bare mein. Ab hum inke briefly syllabus dekh lete hain. Learning and motivation ke under kya kya cheeze hame padhni hai. To first is styles of learning aur iske saath hi hum padhenge different types of learning. फिर उसके बाद है मॉडल्स ऑफ मेमोरी, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिव्स, देन थियोरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन, देन असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन थ्रू मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज स्टाइल्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग के स्टाइल्स को हमने टू में डिवाइड किया है. एक होता है रिलेशनल स्टाइल और दूसरा होता है एनालिटिकल स्टाइल. रिलेशनल स्टाइल में दे परसीव इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ टोटल पिक्चर. ये टोटल पिक्चर के एक पार्ट को इंफॉर्मेशन के रूप में परसीव करता है. इट एग्जिबिट्स इंटुइटिव थिंकिंग. ये टास्क ओरिएंटेड और नॉन एकेडमिक एरियाज को कंसिडर करता है. इस स्टाइल में वर्बली प्रेजेंटेड आइडियाज और इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी होती है. दे प्रिफर टू विदड्रॉ फ्रॉम नॉन स्टिमुलेटिंग टास्क परफॉर्मेंस. और ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरमेंट के साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट में रहता है. देन कम्स एनालिटिकल स्टाइल. ये डिटेल पर फोकस करता है और सिक्वेंशियल और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को एग्जिबिट करता है. ये इसमें टास्क ओरिएंटेड एकेडमिक्स के रूप में होती है. देन दे हैव अ गुड मेमोरी फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. इसमें दूसरों की ओपिनियन से कोई अफेक्ट नहीं होता है. और इस ये स्टाइल बहुत सारे स्कूल एनवायरनमेंट के स्टाइल से मैच होती है. और दे कैन ऑल्सो परसिस्ट नॉन स्टिमुलेटिंग टास्क. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड इट्स टाइप्स. सो लर्निंग की हम डेफिनेशन देख लेते हैं. लर्निंग इज एन अडेप्टिव फंक्शन बाय विच आवर नर्वस सिस्टम changes in relation to stimuli in the environment, thus changing our behavioral responses and permitting us to function in our environment. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हम सब अर्थ पर रहते हैं और अर्थ पर एनवायरनमेंट है. हमको हमारे एनवायरनमेंट में फंक्शन करने के लिए बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक जंगल या फॉरेस्ट एरिया से पास आउट कर रहे हैं तो आपको रास्ते में एक शेर मिलता है. तो शेर को देखकर आप ऑब्वियसली डरेंगे. तो शेर हुआ एक स्टिमुलाई जिससे हमारे नर्वस सिस्टम ने उस स्टिमुलाई को पहचाना और उसके प्रेजेंस में एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्रिएट किया जो होता है फियर. ओके, अब हम देखते हैं कि लर्निंग थ्री टाइप्स की होती है. फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, और सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और थर्ड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. इसमें फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग. इट वॉज गिवन बाय इवन पैवलॉ. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी लर्न टू एसोसिएट इवेंट्स और स्टिमुलाई दैट फ्रीक्वेंटली हैपन टुगेदर. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी लर्न टू एंटिसिपेट इवेंट्स. इसका एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ डॉग्स. अब ये था कि इवन पावलोव ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया डॉग्स पे, इन विच ही ट्रेन्ड द डॉग्स टू एसोसिएट द साउंड ऑफ अ बेल विद द प्रेजेंस ऑफ अ पीस ऑफ अ मीट. द कंडीशनिंग इज अचीव्ड व्हेन द साउंड ऑफ द बेल ऑन इट्स ओन मेड द डॉग सलाइवेट इन एंटिसिपेशन फॉर द मीट. उन्होंने क्या करा कि डॉग्स को बेल के साउंड के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करी. तो सबसे पहले क्या करा उन्होंने, एक बेल लगा दी और वो बेल बजाते ही डॉग्स को मीट का पीस मिल जाता था. तो ऐसा वो रोज़ करते गए. एक दिन करा, दो दिन करा, सेवन डेज करा. फिर बाद में उन्होंने क्या करा, कंडीशनिंग कब अचीव हो गई, जब बेल का साउंड सुनते ही डॉग्स सलाइवेट करने लग गए, मतलब उनके मुँह में पानी टपकने लग गया, लार टपकने लग गई कि हाँ अब खाना मिलेगा. तो एंटिसिपेशन किसका था, मीट के लिए. और कंडीशनिंग क्या थी, जब डॉग सलाइवेट होने लग गए, क्योंकि ये एक तरह की लर्निंग प्रोसीजर बन गया. देन सेकंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. इट वाज गिवन बाय स्किनर बाय विच बिहेवियर्स आर पनिश्ड और रीइन्फोर्स्ड दस स्ट्रेंथनिंग और एक्सटिंग्विशिंग अ रिस्पॉन्स. इसमें इन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट करा था रैट्स के ऊपर, जिसका नाम इन्होंने दिया था स्किनर बॉक्स. स्किनर बॉक्स में क्या होता था कि एक हैंडल था, उस हैंडल पर पैर रखते ही चूहों को
इमीडिएट रिलीज ऑफ फूड हो जाता था, मतलब खाना तुरंत उनको मिल जाता था। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि बिहेवियर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। देन थर्ड इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इट वॉज गिवन बाय बेंडूरा, इन विच लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन इफ देर इज़ नो री इन्फोर्समेंट एट द टाइम। एग्जाम्पल इसका बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं दे ऑफन लर्न थ्रू इनिशिएटिंग एडल्ट्स, जैसा कि सबको पता है कि बच्चे घर में वही सीखते हैं जो उनके बड़े करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एडल्ट्स को कहा गया, एक बोबो डॉल मतलब ऐसे छोटी डॉल टाइप आती थी, उसको उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, तो वो ऑब्ज़र्व किया छोटे बच्चों ने और उन्होंने भी इसी तरह से बोबो डॉल को पीटना शुरू कर दिया, तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ। अब टाइप ऑफ मोटिव्स हैं, मोटिव्स तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल मोटिव, जो प्राइमरी मोटिव होता है, जैसे कि हमको भूख प्यास लगती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसके बाद हम किसी और मोटिव के बारे में सोचते हैं, तो उसके बाद आता है सोशल मोटिव, सेकेंडरी मोटिव, जिसमें हम हमारे अचीवमेंट को पाना चाहते हैं। एग्रेसिव मोटिव होता है, पावर मोटिव होता है, क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने की। देन थर्ड कम्स पर्सनल मोटिव, पर्सनल मोटिव होते हैं हमारे वो टर्शियरी होते हैं, जिसमें हैबिट्स आती है, लाइफ के गोल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ एस्पायरेशन होते हैं, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट होते हैं। अब है मेमोरी एंड इट्स मॉडल। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू टेक इन इंफॉर्मेशन, फिर उसकी एनकोडिंग करना, फिर उस मेमोरी को स्टोर करना, और फिर जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो उस मेमोरी को हमको रिकॉल करना। तो तीन स्टेजेस हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेज होती है एनकोडिंग। सबसे पहले एनकोडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, हम मेमोरी किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो व्हाट डज एनकोडिंग अलाउज, इट अलाउज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू रीच आवर सेंस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड फिजिकल स्टिमुलाई। देन कम्स स्टोरेज, ये सेकेंड मेमोरी स्टेज है। इसमें हम क्या करते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है एक एनकोडेड इन्फॉर्मेशन का हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में, और इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक रहती है। देन थर्ड कम रिट्रीवल, मतलब कॉलिंग बैक ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू सम क्यू फॉर यूज़ इन प्रोसेस और एक्टिव। अब हम मॉडल्स ऑफ मेमोरी के डिस्कस करेंगे। द मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी, इट वॉज प्रपोज्ड बाय एटकिंसन एंड श्रिफिन इन 1968। इन्होंने तीन स्टोर बताए थे, पहला बताया था सेंसरी रजिस्टर, सेकंड बताया था शॉर्ट टर्म मेमोरी, और थर्ड बताया था लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी की हम फर्स्ट पहले डिस्कस करेंगे। इट अलाउज इंडिविजुअल टू रिटेन इम्प्रेशंस ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन आफ्टर द ओरिजिनल स्टिमुलस हैज़ सीज्ड। इसमें क्या रहता है कि एक इम्प्रेशन रह जाता है स्टिमुलस बंद होने के बाद भी हमारे माइंड में। इसका एग्जाम्पल है डार्कनेस के अंदर एक फास्ट मूविंग लाइट बहुत तेज़ी से जाती है, तो वो उसका इम्प्रेशन बहुत 2-3 मिनट तक तो रहता ही है। ये कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं होती है। इसका रोल क्या है, टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर एंटायर सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर विच रेलेवेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड बाय शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड इट इज़ प्रोसेस्ड लेटर ऑन बाय लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करेंगे। इट होल्ड्स ओनली अ फ्यू आइटम्स, जैसा कि बताया गया है कि ये 20 सेकेंड्स के लिए रहती है अपने माइंड में। इसमें 7 मैक्स टू मैक्स आइटम एक बार में हम ये रह पाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और प्लस माइनस 2 भी कर सकते हैं इसमें से। द आइटम्स कैन बी मूव फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वाया रिहर्सल। रिहर्सल बार बार हम रिपीटेटिव उसको बोलेंगे तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि कोई हमको फ़ोन नंबर देता है अपने, तो उस फ़ोन नंबर को हम माइंड में जब तक बोलते रहते हैं तब तक कि हम खुद उसको लिख ना पाएँ। और अगर कोई बीच में अपन को इंटरप्ट कर देता है बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, तो फिर हम ईजिली भूल जाते हैं उस फ़ोन नंबर को, बिकॉज वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही था, अभी तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया था। देन कम्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें ये सारी मेमोरीज इंक्लूड होती है जिसको हम कुछ सेकेंड से ज़्यादा तक स्टोर कर पाए, उन सारी मेमोरीज को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंक्लूड करते हैं। इट एनकम्पासेस एवरीथिंग
फ्रॉम वॉट वी लर्न इन द फर्स्ट ग्रेड टू आर ओल्ड एड्रेस, हमारे पुराने से पुराने एड्रेस के साथ साथ हमने जो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा था वो भी हमको कई बार इम्प्रिंट हो जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहती है चीज़ें। इस लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत वास्ट होती है और कुछ मेमोरीज तो ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जब तक हम मरते नहीं है ना, मरते दम तक हमको वो इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ है वो याद रहती है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव और दूसरी होती है इम्प्लिसिट या प्रोसीजरल। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी कौन सी होती है, जो इन्फॉर्मेटिव टाइप के जो इवेंट्स होते हैं वो डिक्लेरेटिव मेमोरी में आते हैं। इसमें हमारा कॉन्शियस रिकॉल होता है, जैसे कि कॉन्शियसली कोई चीज़, मतलब पूरे हमारे दिमाग को हम ध्यान में रखते हुए कोई इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आती है। अब इम्प्लिसिट और प्रोसीजरल मेमोरी के पार्ट कौन सा होता है, जब हम कोई नई कोई मोटर स्किल को एम्प्लॉय करते हैं तब इस मेमोरी का काम में आता है। तो इसका एग्जाम्पल है लर्निंग टू राइड अ बाइक। इसमें अपन को कॉन्शियसली रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं कि हाउ टू राइड अ बाइक, कि पहले हम सीट पे बैठेंगे, हम स्टैंड हटाएंगे, फिर हम किक लगाएंगे, इस तरह हमको बिल्कुल कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती। यू सिंपली डू दिस बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। अब है कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग के पहले हम फॉरगेटिंग की डेफिनेशन देखेंगे। फॉरगेटिंग इज अपेरेंट लॉस ऑफ और मॉडिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी एनकोडेड एंड स्टोर्ड इन एन इंडिविजुअल्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। किसी भी इंडिविजुअल के लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एनकोडेड और स्टोर्ड है तो उसका लॉस हो जाता है या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो उसको हम फॉरगेटिंग कहते हैं। अब फॉरगेटिंग के कॉजेज़ क्या क्या है, फर्स्ट है ट्रांजियंस, इसका मतलब क्या होता है कि समय के साथ मेमोरीज़ फेड हो जाती है। सेकंड है एब्सेंट माइंडेडनेस, इसमें क्या होता है फॉरगेटिंग विच इज़ कॉज्ड बाय लैप्सेस इन अटेंशन, मतलब कोई हमें कुछ कह रहा है और हमारा ध्यान तो कहीं और ही चल रहा है, तो उस पर्सन की बताई हुई इन्फॉर्मेशन को हम एनकोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुनेंगे ही नहीं। उसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखा है कि फॉरगेट योर वे योर फ़ोन इज़। थर्ड है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में क्या होता है कि एसेसिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज टेम्प्ररीली ब्लॉक्ड, तो उसमें हमें चीज़ें तो याद होती है लेकिन एकदम ज़ुबान पे नहीं आ पाती बातें, तो वो ब्लॉकिंग की कैटेगरी में आता है। देन कम्स मिस एट्रीब्यूशन, इसमें मेमोरी का सोर्स ही कन्फ्यूज्ड हो जाता है, हमको पता ही नहीं रहता है कि वो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे रिकॉलिंग अ ड्रीम मेमोरी एज अ वॉकिंग मेमोरी। उसके बाद में है सजेस्टिबिलिटी, उसमें फॉल्स मेमोरीज है, फिर बायस है, दैट इज़ मेमोरीज डिस्टॉर्टेड बाय करेंट बिलीफ सिस्टम, जैसे कि जेंडर बायस। फिर है परसिस्टेंस, कुछ अनडिज़ायरेबल मेमोरीज होती हैं उनको हम भूल नहीं पाते हैं, जैसे कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो हमारे साथ, जैसे कहीं हमने कोई एक्सीडेंट देखा हो या हमने कोई किसी के घर में आग लगती हुई देखी हो, तो वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं जिनको हम भूल नहीं पाते। देन नेक्स्ट कम थियोरीज ऑफ मोटिवेशन, उसमें तीन थियोरीज हम पढ़ेंगे। इंस्टिंक्ट थियोरी, जिसको दिया था विलियम जेम्स ने, उन्होंने क्या कहा था कि बिहेवियर वॉज ड्रिवन बाय अ नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स विच एड सर्वाइवल। From biological perspective, an instinct is a species-specific pattern of behavior that is not learned. इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो भी behavior है वो बहुत तरह के instinct से driven होता है, जिससे किसी भी species का survival होता है, और हर एक instinct होता है वो अपनी अपनी species का specific pattern होता है जिसको सीखा नहीं जाता, वो innate होता है, अपने आप ही प्रोड्यूस होता है वो। उसका एग्जाम्पल एक दिया है कि अ मदर्स प्रोटेक्शन ऑफ हर बेबी, फिर प्रे हंटिंग प्रे, ये ट्रू instincts के एग्जाम्पल है। सेकेंड है थियोरीज ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का वर्बल मीनिंग क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी टू मेंटेन अ बैलेंस और ऑप्टिमल लेवल विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो होम्योस्टेसिस है उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन डायरेक्टिंग अ बिहेवियर। अब हम एग्जांपल लेते हैं हमारे बॉडी सिस्टम का। बॉडी सिस्टम में एक कंट्रोल सेंटर होता है जो हमारा ब्रेन होता है, वो रिसेप्टर्स से इनपुट रिसीव करता है, मतलब कोई केमिकल स्टिमुलाई या कुछ भी स्टिमुलस के थ्रू वो एक मैसेज लेता है, उसमें
उसको पता चलता है कि हमारी बॉडी में कहीं होम्योस्टेसिस का बैलेंस बिगड़ गया है, तो वो दूसरे रिसेप्टर्स को मैसेज भेजेगा कि कहीं भी इम्बैलेंस हुआ हो उसको डिटेक्ट करके करेक्ट करो। ठीक है, फिर है ड्राइव थियोरी ऑफ मोटिवेशन। इट वाज गिवन बाय क्लार्क हल। उन्होंने ये कहा था कि मोटिवेशन है, सॉरी होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस तो बैलेंस को मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है, उससे जहाँ भी इधर उधर डेविएशन हो जाते हैं तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्रिएट हो जाती है। तो ये नीड्स क्या करती है, दे डायरेक्ट बिहेवियर टू मीट द नीड एंड अल्टीमेटली ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू होम्योस्टेसिस। तो इसमें क्या होता है कि होम्योस्टेसिस की स्टेट है, उससे ज़रा भी डेविएशन हो जाता है तो फिजियोलॉजिकल नीड जनरेट हो जाती है, और जब तक हम उन नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तब तक होम्योस्टेसिस की कंडीशन जनरेट नहीं होती है। अब है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये हमारे मोटिवेशन के असेसमेंट का एक तरह का प्रोसेस है। इसमें एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अब्राहम मास्लोव। उन्होंने 1943 में ये हायरार्की ऑफ नीड्स दिया। इट स्पेन्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ मोटिव्स, इट रेंज विच रेंजेस फ्रॉम बायोलॉजिकल टू द इंडिविजुअल टू द सोशल। सबसे बेस के ऊपर है फिजियोलॉजिकल नीड। जब तक हम भूखे हैं, जब तक हम प्यासे हैं, जब तक हमको रेस्ट नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, घर मकान की छत नहीं मिल रही, तब तक हम किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते। जब ये सारी चीज़ें जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, जब तक वो फुलफिल नहीं होती हम किसी और ऊपर हायरार्की लेवल पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है। उसके बाद में क्या होती है, सिक्योरिटी की नीड्स, सेफ्टी की नीड, द नीड, फिर उसके बाद में होती है द नीड टू बी लव्ड एंड टू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है हमको, एंड द नीड टू हैव सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस, ये फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, ये सेल्फ एस्टीम की नीड होती है। और टॉप टायर इज़ अक्वायर्ड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विच इज़ अ नीड दैट एसेंशियली इक्वेट्स टू अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, एंड इट कैन ओनली बी रियलाइज वैन नीड्स लोअर ऑन पिरामिड हैव बीन मेट। सबसे टॉप की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, वो तभी फुलफ़िल हो सकती है जब नीचे की सारी ये हायरार्की लेवल की सब नीड्स फुलफ़िल हो गई हो। अब जो मास्लोव थे उन्होंने एक सेल्फ ट्रांसेंडेंस लेवल को प्रपोज किया, जो कि उन्होंने माना कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी अबव है। उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो लोग अपने लाइफ गोल्स को पाना चाहते हैं, और मतलब जिन्होंने इन सब नीड्स को तो पहले ही पा लिया, तो वो किसी दूसरों के बारे में तब सोच सकते हैं बियॉन्ड द कंसर्न्स ऑफ वन सेल्फ। तो ये उन्होंने इसका नाम दिया सेल्फ ट्रांसेंडेंस, और उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया। मोहनदास करमचंद गांधी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने खुद को साइड में रखते हुए दूसरे लोगों के बारे में पहले सोचा। तो ये था मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।